हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो ये हमारा है न्यू ब्लॉग। तो हम लोग निकल रहे हैं आज वीरपुर के लिए सुबह सुबह। ये सारा कुछ दूध की बोतल कपड़े वगैरह जो शादी के लिए लाए रहमान रही हूँ। सुबह सुबह 6 बजे का टाइम है। हमने डिसाइड किया था कि हम सुबह जाएंगे क्योंकि दिन को बहुत धूप होती है, बहुत गाड़ी हीट अप हो जाती है, तो सुबह सुबह रश नहीं होगा, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होगी, आराम से मैं मीरपुर चली जाऊँगी। और गाड़ी भी चेक करवानी है क्योंकि वो एरर कर रही है, और पिंबर में किसी के पास कंप्यूटर नहीं है कि कोई मेरी गाड़ी चेक कर सके। सो इसको हम मीरपुर से चेक करवाएंगे इंशाल्लाह। एनीथिंग अगर आप लोगों को कुछ पता हो ऑटोमेटिक गाड़ियों के रिलेटेड, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें, मेरे लिए फ़ायदा हो जाए थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ही चेक करवाने लगी हूँ। क्योंकि पिंबर में चेक करवाते रहते हैं, लेकिन वो सब जो मैकेनिक हैं वो मैनुअल गाड़ियों की हैं, ठीक है। कंप्यूटर इधर नहीं है किसी के पास भी, बड़ी अजीब चीज़ है कि इधर यहाँ पे किसी के पास कंप्यूटर ही नहीं है। सो अभी मैं जा रही हूँ सिस्टर को लेने, तो हमने भाभी के घर जाना है मीरपुर। काफ़ी अरसा हो गया, ईद पर वो लोग आए थे, उसके बाद हम लोग उनसे मिलने गए ही नहीं है। सो वो लोग भी, मतलब उनको भी हमारी बहुत याद आ रही है और हमें भी उनकी बहुत याद आ रही है। इतना प्यारा सूरज लग रहा है। मौसम आज मैं देखा था वेदर, तो वेदर जो है जनाब वो बहुत धूप थी, सनी था बिल्कुल ही। तो आज गर्मी बढ़नी है और अच्छी खासी, 2 दिन से ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। बाकी दिनों की निस्बतन ये जो 2 दिन थे लास्ट, ठीक है, अगस्त के आखिरी 2 दिन बहुत गर्मी पड़ी है। 1 तारीख को भी बहुत गर्मी पड़ी है। सो मेरा जो था लाइसेंस उसकी भी आज डेट आ गई, ये कल आ गई हुई थी, मेरे दिमाग में नहीं आया, कल 1 तारीख थी तो मैं जाकर ले आती अपना लाइसेंस, तो बिल्कुल ही नहीं आया दिमाग में। और अभी सुबह सुबह तो कोर्ट ओपन ही होगा कि वो मुझे लाइसेंस मेरा दे दें। सो रसीद वगैरह मेरा है, उसी से काम चला लूँगी अगर मीरपुर में किसी ने पूछा। टोकी 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 सूची टोकी, पुलिस वाला खड़ा था। थैंक गॉड इतने सख्त रूल नहीं है, वरना वीडियो तो वो कभी ऑन करने ही नहीं देते हैं। अब दुआ है कि सभी लोग बाहर हों और मेरी मुझे ज़्यादा वेट ना करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम, ना ऐसे मिलने जाना है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वो स्पीकर लेने गई हैं। ओके, सो ये चिल्ड्रन पार्क है और ये है कचहरी कोर्ट पिंबर का। जावियार अपनी अनाया से मिलने जा रहा है। सो इनका रिएक्शन तो मैं जरूर कैप्चर करने वाली हूँ कि जावियार का रिएक्शन अनाया को देखकर और अनाया का रिएक्शन जावियार को देखकर। कैमरा माशाल्लाह मेरा मोबाइल खुद ही सारा कुछ कैप्चर कर लेता होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टाइम हो गया है। हाँ, 6:25 हो गए। ओके जी, तो हम 6:25 पर निकले थे मोम, और 7:18 हो चुके हैं और हम मीरपुर आ चुके हैं। तो पानी का लेवल बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है पानी का। पहाड़ी और पानी तो बिल्कुल पहले इतना लेवल नहीं था इन डेज में। चलें जी, अब हम अगला सफ़र तय करते हैं अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये मैं बिल्कुल दरख्त के नीचे हूँ। That's it. So, ये मामी मेरी छाल के ऊपर उनका फ्लैट है, तो हम उधर जा रहे हैं। So, हम पहुंच गए, अब उनका रिएक्शन कैप्चर करूंगी। जाओगी तुम स्कूल, हम इधर ही हैं। बच्चे तो चले गए, बुक इधर ही रह गई है। यहाँ पे चाय बन रही है, ये देसी घी और ये बिनेश मलाई जाया करती है। और मैंने अपना पराठा खुद बनाया, मैं अपना पराठा दिखाती हूँ। मोम की रोटी भी मैंने बनाई है। हाँ जी, ये मैंने एग्गी बनाया है, ठीक है, कितना प्यारा बना है, पता नहीं सुराख में। और ये पराठा मैंने अपने लिए बनाया है, माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो, तो हम लोग इस टाइम मीरपुर में हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। चलो बच्चा, उसको बोले बेटा, उसको बोला, आपको तो नहीं बोला। ना ये भी रखो उधर, हाँ रख दो। तो आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा है, तो देखते हैं जी क्या हाइलाइट्स हैं। तो तारा लगाएगा। हाँ जी, पाकिस्तान और इंडिया का मैच, तो क्या जी, चार आउट इंडिया वालों के, चार आउट और रन बना चुके हैं 115। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।